मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान मेहनत ना करे तो व्यक्ति रोटी नहीं मिलती इंसान को। मेहनत करने से हर चीज़ कामयाब हो जाती है। छोटी छोटी से काम करके ऊंची बिल्डिंग तक पहुंच जाता है इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अगर इंसान के हौसले बुलंद हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। आप तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं, नाम है मोहम्मद शाहिल। मोहम्मद शाहिल के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें उन्होंने अपना पैर गंवा दिया। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सड़क पर जुगाड़ से गाड़ी बनाकर उस पर बैठकर गुब्बारा बेच रहे हैं। हमने जब मोहम्मद शाहिल से बात की तो उन्होंने बताया कि इंसान अपने कार्य से कुछ भी हासिल कर सकता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से गुब्बारा बेचता मोहम्मद शाहिल नजर आ रहा है। ये खबर सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हवाला देकर काम नहीं करते, किस्मत पर रोते हैं। लेकिन आज ये शख्स अपने साथ दुर्घटना होने के बाद भी काम कर रहा है और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आप सुने मोहम्मद शाहिल ने क्या कुछ कहा। अब देख रहे हैं महू ब्यूरो रिपोर्ट। मोहम्मद साहिल, कहाँ घर है? प्रयागराज यूपी। यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ रहते हैं, मऊ स्टेशन। किसके पास? मौसी के पास। तो ये बचपन से ही दिव्यांग हो? नहीं, हाँ। रेलवे से खास्ता हो गया था। कैसे? पानी बोतल बेचते समय, मतलब दुकान से खरीद के लाते थे 220 रुपये की, तो 20 रुपये बेचते थे एक बोतल, और चलते समय पैर फसल के नीचे आ गए इलाहाबाद के अंदर। कट गया पैर? हाँ, कालका में। फिर उसके बाद क्या किए? इसका इलाज सरकार इलाज कराया, छोड़ दिया। सजा लावारिस लड़का है, अभी छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। माता पिता नहीं है? है। अच्छा। मौसी है, मम्मी डेथ हो गई। मम्मी नहीं, कुछ डेथ हो गई। मौसी पालती हैं? हाँ, दो भाई है, दो बहन है। तो ये कब से ये काम कर रहे हो, ये गुब्बारा बेचने वाला? जब से जब जब मेला लगता है तब बेचते हैं। अच्छा। रात में अपनी मौसी के साथ मूंगफली काटे जाते हैं नकलाऊ। अभी तो मेला नहीं, अभी तो यहाँ मऊ में बेच रहे हो? हाँ, जाते हैं आजमगढ़ घास काटने, वो धान धान काटने। हाँ। तो पैर से कोई दिक्कत होती है काम करने में? नहीं, खाली हल्का दर्द होता है, करंट आता है। अच्छा। मजा से कोई नाखून को मार दे। हाँ। तो तुरंत लड़ सकता है। कितना कमा लेते हो दिन भर में? 500 400 का देते हैं। हैं? 400 का देते हैं। हाँ। 150 माल भरा देते हैं। अच्छा। कितने लोग घर में हैं? 5 लोग। हैं? 5। कितने का गुब्बारा बेचते हो? 10 रुपये। जो लोग काम नहीं करते हैं, केवल किस्मत को दोष देते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कायर। कायर? मेहनत करने से हर चीज कामयाब हो जाती है। छोटी छोटी से काम करके ऊंची बिल्डिंग तक पहुंच जाता है इंसान। अगर छोटा 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 मोटा बिजनेस करेगा इंसान तो ऊंची बिल्डिंग पार कर देगा, वो भी झुक जाएगा उसके आगे, तो छोटे से बड़ा हो जाएगा, तो खुद ही पार्टी बन जाएगी। छोटे से काम करते करते बड़े बन जाएगा, बड़े से बिजनेस करने लगे, बिजनेस से मालिक बन जाएगा, मालिक से अपनी फैक्ट्री खोल जाएगी, अपने से नौकर चाकर बन जाएगी घर में अपने। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान मेहनत ना करे दो व्यक्ति रोटी नहीं मिलती इंसान को, चाहे कम खाने काम करे, चाहे लेबरगिरी करे, चाहे किसी घर में झाड़ू पोछा क्यों करता हो, उसको भी नौकरी चाहिए। पेट के लिए इंसान कहीं भी जाता है, पेट ऐसी चीज़ है इंसान को दिखाई तक बनाई थी। लेकिन हट्टे कट्टे रहते हुए भी लोग भीख मांगते हैं और तुम अपना स्वयं काम कर रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? कोई लोग तो ऐसे थे कि जयपुर में जाके पैसे लाल अपने हाथ पैर कितनी आँख निकलवा के भीख मांगते हैं। लेकिन तुम काम करके पैसा कमा रहे हो? हाँ, पहले मैंने मांगा 300 रुपये मांगा, तो कुछ लोग गाली पकने लगे मेरे को, तो दिन में मांगना छोड़ दिया, तो गुब्बारा बेचने जा दिया।
अपना बेचना है, अपना खुददारी से कमाना है, मेहनत से, मेहनत से।